यार कहाँ आज कहाँ पहुँचे हो आप लोग? आज हम अलीबाग अभी पहुँच रहे हैं। यहाँ पर हमें मिस कॉल अलर्ट्स का इशू आ रहा है, डेटा का इशू आ रहा है, तो हम लोग आज चेक करेंगे नियर बाई एरिया में पूरे, देखते हैं क्या क्या इशू है, जो कस्टमर का फीडबैक मिल रहा है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर अलीबाग में हैं। आज रुकेंगे अलीबाग में, कस्टमर का इशू रिजॉल्व करने के लिए। तो गणेश यार कितने टावर चढ़ोगे आज? फिलहाल तो अभी एक टावर पे आए अलीबाग, ये इशू कंप्लीट हो जाए उसके बाद नेक्स्ट साइड पे जाने की कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी ये सॉल्व हो जाए। चलो बढ़िया यार, अपडेट करते हैं यार हम पब्लिक को भी कि क्या क्या इशू यहाँ चल रहे हैं। अरे गणेश किधर जा रहे हो यार? सर टावर पे जा रहा हूँ, देख रहा हूँ हमारा यहाँ पे टावर लगा हुआ है आइडिया का, यहाँ हमारा एंटीना पहचान में नहीं आ रहा है, अभी हमें ट्रेस करना पड़ेगा इसमें हमारा एंटीना कौन सा, यहाँ पे बहुत सारे टावर हैं, बहुत सारे एंटीना। अरे साइड पे क्या ऐसा इशू हो रहा है कि अभी रिजॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब क्या हिस्ट्री कुछ बताओ इसका साइड का? ये इसका हिस्ट्री ये है कि सर एक साल से ये साइड पर कुछ यूजर्स लैच हो रहे, कुछ हो नहीं रहे हैं, तो हम R&D साइड के लिए बहुत हुआ, इलेक्शन टीम ने R&D किया, IT टीम ने R&D किया, तो आज अभी भी R&D चल ही रहा है हमारी साइड के लिए रिजोल्यूशन के लिए। तो अभी क्या अपने एंड से अभी आप क्या चेक कर रहे हो? अभी हम लोग ने अपने एंड से चेक किया, इनका यहाँ जंपर केबल्स चेक करवाए, फीडर केबल्स चेक करवाए, तो कुछ गलत तो नहीं लगाया गया, फिर ट्राई बैंड मल्टी बैंड एंटीनास में कुछ इशू तो नहीं है, वो सब चेक करवाए। अभी बंदा है वो काम कर रहा है ऊपर, उसने कुछ चेंजेस किया है, उससे हमारे फर्स्ट सेक्टर में तो कुछ इफेक्ट आया है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है पूरा काम करने के बाद। आपको क्या लगता है क्या इशू इस पे था? उसमें एक्चुअली 4 पोर्ट के एंटीने लगे थे लेकिन 2 ही जंपर कनेक्ट थे। 4 पोर्ट के एंटीना, तो उससे क्या मतलब क्या इशू हो रहा है? इशू ऐसा मतलब एज पर प्रीवियस फीडबैक, मतलब जितने भी एरिक्सन के बंदे आए तो बोल रहे थे कि सेकंड मतलब दो पोर्ट पे चल जाता है, मतलब 4G के लिए 2 पोर्ट रहता है, 1800 का 2G के लिए रहता है, इसके वजह से वो 2 जंपर किसी ने कनेक्ट नहीं। तो इस पे तो बहुत पहले से एरिक्सन टीम वगैरह R&D वगैरह कर रही है सारी, उन्होंने मतलब ये 4 जंपर लगाने पड़ते हैं, उनको लगा 4G के लिए 2 जंपर लगते हैं। अच्छा, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, चार लगाए तो मतलब इफेक्ट आया तो मेन मतलब RRU से 4 केबल निकले थे, इन लोग ने 2 केबल लगा दिए थे, 2 ऐसे ही छोड़ दिए थे, मतलब उससे कुछ फर्क नहीं करता, तो जंपर नहीं लगाने से ऐसे सब लोग। गणेश तुम ऊपर अभी चढ़े थे, तुम्हें को ऊपर जाके क्या इशू कुछ मिला क्या? जी सर मिला, इशू मिला, हमने जैसे कि ट्रेस किया था हमारा 4G का RRU, तो उसमें 2 जंपर केबल निकला हुआ था, हमने उसको फिर से जॉइन किया। तो अभी हम पहुंच गए हैं गुरुजी होटल। अच्छा, और कितने चार्जेस वगैरह होते हैं आपके? सर नॉन एसी का 1500, एसी का 1800। अच्छा जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम पहुंच गए हैं अलीबाग में, अलीबाग में हमने एक गुरुजी करके होटल है, काफ़ी अच्छा होटल है। अगर मैं इसके व्यू की बात करूँ तो मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ कितना बढ़िया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि छलकता भलकता समुंदर है, यहाँ बोट्स वगैरह घूम रही हैं, काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप कभी भी यहाँ आएँ जिस गुरुजी होटल में आएँ। सर आपने अलीबाग 08 का जो साइट का रिजॉल्व किया, बहुत सारे इसमें एरिक्सन वाले आके गए, बहुत सारे लोगों ने R&D की, सेंट्रल टीम ने R&D की, फिर भी वो रिजॉल्व नहीं हुआ, फिर आपने आके मतलब कि ऐसा आपको कैसा ट्रिक हुआ कि मतलब कि आपने एक ही बार में उसको रिजॉल्व कर दिया? बेसिकली क्या है कि 4G का जो RRU लगा था वो इनिशियल फेज़ में जो आया था 4 पोर्ट का RRU, तो बोलते हैं RRU 14B3, एक्चुअली 4 पोर्ट होते हैं आपके, जो एंटीना से चारों कनेक्ट होते हैं तभी वो प्रॉपरली आपका रेडिएट होता है सिग्नल उसमें। तो वहाँ जाके मैंने देखा कि सिर्फ उसमें से सिर्फ 2 पोर्ट यूटिलाइज करके उन्होंने 2 पोर्ट फ्री छोड़ के रखे हुए थे, तो माइट भी ये रीज़न होगा कि उस पर कॉल्स नहीं आ रहे थे साइट पर प्रॉपरली फॉर द कैपेसिटी।
after connecting new jumpers, maybe after utilizing the all four ports, हमने देखा कि उसमें calls बहुत सारी improve हुई है. Around अभी 3-4 times call capacity बढ़ गया है उसमें, और हमको अच्छे से call भी दिख रही है साइट पे. Basically यही reason था कि हमने proper utilize नहीं कर रहे थे hardware. एक तो एक तो बोल सकते हैं एक wrong installation हुआ था साइट पे, इसकी वजह से issue था साइट. लेकिन आपकी ये इंटेलिजेंसी भी है कि क्योंकि बहुत सारे लोग आए वो उनका अलग ही फिनोमिनल लेके आ रहे थे. आप यही मतलब होता है कि देखिए क्या है कि सिस्टम जब नया आता है तो लोगों को प्रॉपरली इसमें एक बोलते हैं प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया जाता है. सिर्फ प्रोजेक्ट टीम आके लगा जाता है, O&M टीम वाला उसमें कितना इन्वॉल्व होता है नहीं होता है, एक बेसिक जब भी कुछ आता है तो उसका एक थोड़ा सा ब्रोशर या जो बोलते हैं हम ट्रेनिंग टाइप का या कुछ होना चाहिए. क्या है कि कोई भी कोई अलग अलग इनपुट देता है, प्रोजेक्ट वाला कुछ अलग इनपुट देता है, तो ये चीज़ें हमको ही थोड़ा सा फील्ड पे हम लोग रहते हैं तो हमें क्यूरियोसिटी के साथ ही सीखना चाहिए या पूछना चाहिए चार लोगों से इसका क्या यूटिलाइजेशन है, क्यों चार पोर्ट दिया है, दो पोर्ट फ्री रखा है तो क्यों रखा है या क्यों लगाया नहीं है. तो अगर ये चीज़ें अगर ध्यान में रख के सब लोग अगर विजिट्स हुई है पहले एक क्वेश्चन को ये रेज करता तो उसमें अल्टीमेटली पहले से सॉल्यूशन मिल जाता हमको. राइट राइट. लेकिन थोड़ा बेसिक लोगों को ध्यान रखना चाहिए, मतलब बेसिक चीज़ थी जहाँ तक हमने देखा कि बहुत लोग इसमें R&D कर रहे थे कि मतलब कि नहीं हो रहा है कुछ हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ था कि खाली वो पोर्ट्स निकले हुए थे. यही होता है कि एक सिंपल ऑब्जर्वेशन भी किसी ने शेयर नहीं किया है कि चार पोर्ट में सिर्फ दो पोर्ट यूज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है. एटलीस्ट एक क्वेश्चन मार्क अगर कोई रेस करता पहले तो उसी टाइम माइट भी इशू रिजॉल्व हो सकता था. तो लोगों ने ये छोटी बात को निगलेक्ट कर दिया और उसकी वजह से इतनी देर से वो इशू पेंडिंग में पड़ा था. चलो बढ़िया. तो सर अभी अलीबाग जीरो हम लोग अलीबाग में आए हुए हैं, तो कैसा अभी अलीबाग के कंप्लेंट्स वगैरह के कैसा आप इसको कैसे ट्रीट करना है विजिट करके देखेंगे. ऐसे ही कुछ हमको माइनर मिस्टेक्स मिलेगा उसको हम प्रॉपरली करेक्शन करेंगे और देखते हैं. होप सो इशू रिजॉल्व होने चाहिए. थैंक यू सर हमारे चैनल पर आने के लिए और अपना बहुत ही कीमती इनपुट देने के लिए. थैंक यू. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for. तो अभी हम पहुंच चुके हैं एक काउ साइट पे. मैं आपको दिखाता हूँ कि एक काउ साइट दिखती कैसी है. नॉर्मली इस काउ साइट को किसी भी व्हीकल पे ऐसे खड़ा किया जाता है. ये उन जगह होता है कि जहाँ हमें कोई साइट लगाने की जगह वगैरह नहीं मिलती या साइट बहुत कंजेस्टेड एरिया में लगानी पड़ती है, तो वहाँ उस सॉल्यूशन के लिए यहाँ काउ साइट लगाई जाती है. तो इस तरह कुछ नज़र आती है हमारी काउ साइट. देखिए तो पतला सा ऊपर की तरफ गया हुआ है टावर, यहाँ ये DG लगा हुआ है. तो इस तरह देखिए यहाँ टायर लगे हुए हैं जैसे ट्रक के एक टावर लगा दिया हुआ है, और यहाँ ऐसा एक ट्रक के ऊपर एक टावर खड़ा होता है कुछ इस तरह से, और इसको पावर सप्लाई मिलता है DG से. गणेश इस साइड पे क्या क्या किया है तुमने? सर इस साइड में तो तीनों सेक्टर घुमाना था. अच्छा. दिक्कत हो रहा था घुमाने में, एंगल एंगल लगे हुए थे. तो अगर बाकी रिगर ऐसा काम करते तो उन लोगों को कौन कौन सा सावधानी बरतना चाहिए? पहले तो सर हमें सेफ्टी, सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी देखना पड़ता है. हमें कहाँ प्रॉपर खड़ा होना है, कहाँ हमारा बैलेंस बनेगा, हमें ये एंगल लटकाना होता है कहीं, मतलब हमारा हमारे सर से 1.5-2 meter ऊपर कम से कम लटकाना चाहिए. अच्छा. ताकि इसमें मतलब हमारा बैलेंस बना रहे, मतलब उतना नुकसान नहीं होगा. ओके. तो अभी पूरा सही से हो गया जहाँ से एंटीना चाहिए था? जी बिल्कुल, अभी बिल्कुल सही हो गया है, अभी कोई दिक्कत नहीं है. तो फाइनली यार हमारा अलीबाग का जो ट्रिप है वो फाइनली अभी एंड हो रहा है. बहुत सारी साइटों पे हमने ऑप्टिमाइजेशन किया, बहुत सारी साइटों पे हमने मिला कि यार प्रॉपर जो था ट्रैफिक का डिस्ट्रीब्यूशन है बराबर नहीं था, उसको सारे पोर्ट पे हमने काम किया. कई कई साइटों पे बहुत सारे बहुत दिन से वो इशू में पड़ी हुई थी, उन साइटों को रिजॉल्व किया. अभी भी एक साइट बाकी भी है, उसको हम अभी खाना खाने आए, बहुत ज़्यादा भूख लगी है. अभी शाम के 5 बज रहे हैं लेकिन भूख के मारे अभी हालत इतनी ख़राब है कि हमने बोला कि भाई अब एंड करते हैं, इस वीडियो को भी एंड करते हैं, अभी खाएंगे, उस साइट पर जाएंगे, उसको भी रिजॉल्व करेंगे. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक. इसको लाइक जितना करो, मैं ऐसी इसी तरह की एजुकेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, आप लोगों को भी सीखने को मिलता है कि कैसे काम होता है टेलीकॉम में. तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए.